बबेरों के दीवान द्वारा अधिवक्ता के साथ मारपीट व अपमानित के मामले पर आज अधिवक्ताओं का तीसरा दिन भी अनशन जारी रहा, जिसका व्यापार मंडल के लोगों ने भी समर्थन किया है। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के मरका थाना का है, जहां थाने के दीवान ने अधिवक्ता मनोज सिंह के साथ अभद्र भाषा, मारपीट, अपमानित करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अधिवक्ता पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। अनशन के तीसरे दिन अधिवक्ताओं के समर्थन में आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक इनके आंदोलन पर व्यापार मंडल इनका समर्थन करेगी और जो अधिवक्ता साथ ही आगे के आंदोलन की रणनीति बनाएगी, उसमें व्यापार मंडल साथ देगा। इस मौके पर व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष के मेहता, नगर अध्यक्ष सुधीर अग्रहरी, मंत्री राजेश साहू, श्यामा चरण गुप्ता, पदाधिकारी व्यापार मंडल के साथ पीड़ित अधिवक्ता मनोज सिंह, राम प्रताप वर्मा, अध्यक्ष वार संघ रणजीत सिंह यादव, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक, राजेंद्र, धर्मेंद्र, रामेंद्र सिंह, सुनील, गया प्रसाद, शिव कुमार सहित 50 अधिवक्ता अनशन स्थल पर बैठे रहे। ये हमारे मनोज वकील साहब हैं, ये मरका दीवान जो द्वारा जो इनके साथ अभद्रता की गई है, उसी के विरोध में हमारे वकील साथी अनशन में बैठे हैं। उन्हीं के समर्थन में बबेरू व्यापार मंडल भी साथ में है। जब तक मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती है, दीवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और व्यापार मंडल का पूरा समर्थन। मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। 16 तारीख को मैं थाने गया था, वहाँ पर मेरी दीवान के साथ झड़प हो गई थी, नोक झोंक हो गई थी, और इसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया था SDM साहब, CO साहब को, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब से वकील हमारा अधिवक्ता समाज आंदोलनरत है और हम लोग SP साहब से भी मिले थे, उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है और अब हमारे साथ इस आंदोलन में व्यापारी समुदाय भी बबेरू का आ गया है कल से, और ये कार्यवाही तब तक चलती रहेगी जब तक कि दीवान साहब को सस्पेंड नहीं कर दिया। कितने दिन से अनशन चल रहा है? अनशन तो 19 तारीख से शुरू हुआ था, पहला दिन था 19 तारीख का, तब से ये लगातार चल रहा है। मनोज कुमार पटेल के साथ जो अभद्रता की गई है थाना मरका में हेड मुहरीर द्वारा, उसके विरोध में हमारा आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में क्रमिक अनशन चल रहा है। आज अनशन का तीसरा दिन है और इस कड़ी में हमारे सहयोग में व्यापार मंडल बबेरू के अध्यक्ष, सचिव और अन्य कार्यकर्ताओं सहित सहयोग में शामिल हो गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। कब तक अनशन ये चलेगा? ये अनशन जब तक हमें पूर्ण रूप से इसमें रिजल्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि कप्तान साहब ने 3 दिन का समय लिया है, तो 3 दिन में उन्होंने कहा है कि हम कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। हमने उनसे मांग किया कि निलंबित किया जाए संबंधित हेड मुहरीर को या उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाए। बांदा से ज्योति श्रीवास की रिपोर्ट।